भारत के साथ साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली गेहूं की टॉप 5 ऐसी वेराइटियां जिनकी बुआई आप अपने खेत में करके एक बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं टॉप 5 गेहूं की वेराइटियों की जिनकी बुआई इस रवि के सीजन में आप अपने खेतों में कह करके 30 से 35 क्विंटल तक भी एक एकड़ जमीन से उत्पादन ले सकते हैं। और लास्ट तक जरूर देखना और आपकी जमीन के लिए कौन सा सबसे सूटेबल वेराइटी है उसका चयन इस वीडियो के द्वारा आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताना शुरू करते हैं आपको टॉप 5 वेराइटियां। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूले। किसान भाइयों, सबसे पहले वेराइटी की बात करूं तो वो है HI 8663। ये बहुत ही बढ़िया वेराइटी है जिसकी हाइट कम होती है, इसके साथ साथ एक पौधे से आपकी 10 से 12 कलियां निकलती है जिसकी वजह से इसका उत्पादन काफी बढ़ जाता है। ये हल्की और भारी दोनों प्रकार की जमीनों में एक बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने वाली फसल है। यानी इसकी बात करूं तो 27 से लेकर 30 क्विंटल तक एक एकड़ जमीन से आपको उत्पादन मिल सकता है। किसान भाई, दूसरी वेराइटी की बात करूं तो ये है करण वंदना DBW 187। ये एक ऐसी वेराइटी है जो कि 27 से 30 क्विंटल तक उत्पादन एक एकड़ जमीन से दे सकती है। किसान भाई, इसके पौधे की हाइट ज्यादा नहीं जाती है, 90 से 95 सेंटीमीटर तक ही पौधा जाता है। किसान भाई, इसमें जो सुर्रे निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं कि जौ के पौधे निकलते हैं जिनमें आपके बारीक बारीक गेहूं के दाने निकलते हैं, वो भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एक ऐसी वेराइटी है जो भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर बुआई की जाती है, आजमाई हुई वेराइटी है, तो आप इसका चयन भी कर सकते हैं। किसान भाई, अगर मैं तीसरी वेराइटी की बात करूं तो श्रीराम सुपर 272 एक ऐसी वेराइटी है जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये 30 से लगाकर 32-33 क्विंटल तक भी एक एकड़ जमीन से उत्पादन आपको दे सकती है। अगर मैं बात करूं तो 80 से 85 सेंटीमीटर का इसका पौधा होता है, इसकी 10 से 12 कलियां एक पौधे से निकलती है जिसकी वजह से इसका उत्पादन काफी बढ़ जाता है। हल्की भारी दोनों प्रकार की जमीनों में यह बहुत ही बढ़िया उत्पादन देता है। लेकिन आपके पास भारी जमीन है तो वहां पर ये श्रीराम 272 वेराइटी आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती हुई नजर आ सकती है। किसान भाई, अगली वेराइटी की बात करूं तो PBW 550 एक ऐसी वेराइटी है जिसका उत्पादन 26 से लगाकर 30 क्विंटल तक एक एकड़ से। किसान भाई, कम सिंचाई में भी इसका काम चल जाता है, ये 4 से 5 सिंचाई में भी आपके घर गेहूं आ सकता है। इसके साथ में बात करूं तो इसकी जो हाइट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होती है, 10 से 12 कलियां एक पौधे से निकलती है जिसकी वजह से उत्पादन काफी बढ़ जाता है। किसान भाई, अब मैं बात करता हूं HD 3086 की। यह हमारी 5वें नंबर की वैरायटी है। यह एक ऐसी वैरायटी है जो कि हल्की जमीनों में काफी अच्छा उत्पादन देती है, साथ ही साथ देखा जाए तो इसका उत्पादन 29 से लगाकर 27 क्विंटल तक है। यानी यह बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसके साथ में बात की जाए तो इसके पौधे की हाइट भी 88 से 89 सेंटीमीटर तक होती है, यानी बहुत छोटा पौधा होता है। इसके साथ में देखा जाए तो ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि हल्की और भारी दोनों जमीनों में लगभग बराबर उत्पादन देती है। और बिना जिस जमीन में आपने बहुत समय से खाद नहीं डाला है उस जमीन में आप बुआई के लिए कोई वैरायटी देख रहे हैं तो HD 3086 बहुत ही बढ़िया वैरायटी हो सकती है। किसान भाई, इसके साथ साथ हम बोनस के रूप में आपको दो वैरायटियों के नाम बताने वाले। एक है श्रीराम सुपर 303। ये एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, मध्य प्रदेश साइड या फिर आप उत्तर प्रदेश साइड देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा बुआई की जाने वाली वैरायटी है। इसका उत्पादन काफी बढ़िया है, 27 से लगाकर 29 क्विंटल पर एकड़ तक उत्पादन इसका देखने को मिलता है। भारी जमीनों में उत्पादन और भी ज्यादा देखने को मिलता है। किसान भाई, इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा आपको HD 2967। ये भी एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, इसका उत्पादन भी 27 से लगाकर 29 क्विंटल तक आपको देखने को मिलता है। और एक ऐसी वैरायटी है जिसका उत्पादन के साथ साथ इसके गेहूं की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। तो किसान भाई, अभी तक हमने जितनी भी वैरायटी आपको बताई वो ऐसी वैरायटी है जिनकी गेहूं की क्वालिटी के साथ साथ उसका उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़िया है। किसान भाई, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।